हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे फेस मास्क शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से हमारे घर में हम बना सकते हैं। हमारे किचन में रखी हुई सिर्फ सिंपल सी दो चीज़ों से हम ये मास्क बना सकते हैं और हमारे चेहरे की जो है खोई हुई रौनक को वापस ला सकते हैं। जैसे कि थकावट की वजह से, धूप की वजह से, मिट्टी और नींद की कमी की वजह से हमारे चेहरे की रौनक कम हो जाती है, जिसके लिए हम पार्लर जाते हैं या फिर फेशियल करवाते हैं या फिर मास्क की मदद से हम वो हमारे जो है चेहरे की जो है फ्रेशनेस को वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पार्लर नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमारी किचन में रखी हुई इन दो चीज़ों की मदद से हम आसानी से फेस मास्क बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है बादाम का पाउडर। बादाम को जो है हम उसे बारीक पीस लेंगे, मिक्सर में उसका पाउडर बना लेंगे और उसी के साथ हम लेंगे कच्चा दूध। तो सिर्फ दूध और बादाम से ही जो ये हमारा फेस मास्क तैयार हो जाएगा। तो हम लेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच बादाम का पाउडर और उसमें हम मिक्स करेंगे 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध और इसे अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे कि हमारे चेहरे पर हम इसे आसानी से लगा सकें। इस तरीके से बादाम और दूध में विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे जो है चेहरे की रंगत भी निखर जाती है और साथ ही में जो है हमारे चेहरे की जो त्वचा होती है बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हो जाती है। इस बादाम और दूध के पेस्ट को हम अपने चेहरे पर लगा लेंगे, 10 मिनट तक हम रखेंगे जब तक ये सूख जाए और सूख जाने के बाद इसे हम ठंडे पानी से धो लेंगे और इसे यूज़ करने के बाद हमारी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और नरम और मुलायम हो जाती है। इसे मैं अपने फेस पर लगाने वाली हूँ। अब देखते हैं हम दूसरा वाला फेस मास्क। इसके लिए हम लेंगे शहद और कच्चा दूध। सिर्फ यही दो चीज़ें होंगी इस मास्क के लिए। तो इसमें हम लेंगे 2 चम्मच कच्चा दूध और उसी के साथ ले लेंगे 2 चम्मच हम शहद के। इन दोनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ये एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो इसे हमें ब्रश की मदद से अपने चेहरे पर लगाना होगा। तो इसे मिक्स कर लेने के बाद हम इसे अपने चेहरे पर और गर्दन पर अच्छे से हम लगा लेंगे, पूरे ही चेहरे पर और पूरे ही गर्दन पर। 15 से 20 मिनट तक इसे लगा कर रखेंगे हम। और ये ऑल स्किन टाइप फेस मास्क है, हम किसी भी तरह की स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें कि अगर ज़ख़म है या जलन है या मुहासे वगैरह हैं तो वो इस मास्क को इस्तेमाल ना करें। तो इसे मिक्स कर लेने के बाद हम 15 से 20 मिनट रखेंगे और जब ये सूखने लगे तो हम इसे नॉर्मल पानी से धो लेंगे। शहद जो होता है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये वाला मास्क जो है एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो हमारे चेहरे की स्किन को बहुत ही अच्छी नमी देता है, हमारे चेहरे की स्किन को कसाव देता है, जिसकी वजह से जो है हमें झुर्रियों से भी निजात मिलती है। तो शहद जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सिंपल सी दो चीज़ें हैं जो कि आसानी से हमारे किचन में होती हैं, जिसे हम यूज़ करके अपने चेहरे की खोई हुई रौनक को वापस ला सकते हैं और घर में ही इस तरीके के मास्क बना के घरेलू नुस्खे अपना कर हम अपने चेहरे को तरोताज़ा, उसकी स्किन को तरोताज़ा कर सकते हैं, अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो रेमेडीज़ हैं ये आप लोगों को हेल्पफुल लगी होंगी। अगर अच्छी लगी और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।